Hello dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss a very common topic. What are the normal time period of menses and what is the normal duration of the menstruation? Ke periods ki normal duration kitni hai aur ye kitne arse ke baad inka aana normal hai? First of all, main yahan aapko bataungi ki normal periods kya hai aur abnormal periods kya hai. नॉर्मल पीरियड्स का दौरानिया 21 से 35 से 40 दिन तक हो सकता है और ये कितने दिन होने चाहिए टू 2 to 8 डेज में होना इनका नॉर्मल है. इसका क्या मतलब है कि अगर पीरियड्स 21 से 35 डेज के बीच में आ रहे हैं तो इट्स नॉर्मल, बट अगर ये 21 दिन से पहले आ रहे हैं तो भी ये एबनॉर्मल है, और अगर ये 35 से 40 दिन के बाद आ रहे हैं तो भी ये एबनॉर्मल है. सेकेंडली, 2 to 8 डेज का दौरानिया, बाज़ ख़वातीन को 2 दिन में जो है वो पीरियड्स होते हैं और वो फिर साफ़ हो जाती हैं, और बाज़ जो लेडीज़ हैं उनको 8 दिन लगते हैं. तो 2 to 8 डेज का जो दौरानिया है ये नॉर्मल पीरियड्स के ड्यूरेशन में काउंट होता है, इसलिए इसमें वरिड होने की ज़रूरत नहीं होती. आम तौर पर यह देखा गया है कि पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होते हैं कि जो फ्लो है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आप हमें गाइड करें कि ये क्या नॉर्मल है या ये एबनॉर्मल है. तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि स्पॉटिंग से लेके जो ब्लीडिंग है वो हो सकती है पीरियड्स में, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग जो है वो होना ठीक नहीं है. लेकिन जो अगर स्पॉटिंग में हो रही है तो उसको हम पीरियड्स ही काउंट करते हैं. इसकी वजूहात क्या हैं एबनॉर्मल पीरियड्स होने की? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बच्ची को पीरियड स्टार्ट होते हैं 12, 13, 14 साल की उम्र में, तो उस वक्त वो एबनॉर्मल थोड़े से हो सकते हैं, यानी कि उनके डेज जो हैं वो ऊपर या नीचे हो सकते हैं. लेकिन आजकल ये देखा गया है कि पेशेंट्स को 2-2, 3-3, 4-4 महीने गुजर जाते हैं और उनको पीरियड्स नहीं होते. इसमें हमारा अपना लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, हमारा स्ट्रेस लेवल, ये सब कुछ शामिल है. इसके अलावा यहाँ पे मैं आपके बताती चलूँ, जो सेकंड रीज़न होती है वो ये होती है कि आफ्टर 42 ईयर्स, 42 ईयर्स के बाद भी पीरियड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं. स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल से प्रोलैक्टिन लेवल्स हमारे हाई होते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स एबनॉर्मल हो सकते हैं. PCOS है, फेब्रॉइड्स हैं, और बहुत से ऑर्गेनिक नी ऑर्गेनिक कॉजेज हैं जो कि मेंसेस को इरेग्युलर कर सकते हैं. सो डियर लेडीज, ट्राई टू काउंट ऑलवेज जो है मेंशन करें अपनी मेंसेस डेट को, ताकि आप उसको काउंट कर सकें कि क्या ये 21 से 35 दिनों में है. इफ़ इट इज़ बिटवीन इन दिस पीरियड तो दीज आर नॉर्मल, और अगर इससे कम या ज़्यादा हो रहे हैं देन कंसल्ट योर गायनाकोलॉजिस्ट. थैंक यू वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ. जज़ाकअल्लाह.